आईपीएल 2021 का 21वां मैच पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी है। वहीं मुकाबले में केकेआर की टीम ने टॉस जीतकर पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पंजाब की टीम ने पहले खेलते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब नहीं रही। केकेआर की ओर से घातक गेंदबाजी देखने को मिली और इस वजह से पंजाब के बल्लेबाज नाकाम नजर आए। पंजाब किंग्स 20 ओवर में 9 विकेट पर 123 रन ही बना सकी। वहीं किंग्स के लिए सबसे बड़ी पारी मयंक अग्रवाल ने खेली, जिन्होंने 34 गेंदों में एक चौके और दो छक्के की मदद से 31 रन बनाए। वहीं क्रिस जॉर्डन ने 30 रनों की पारी खेली। कप्तान केएल राहुल ने 20 गेंदों में दो चौके और एक छक्के के दम पर 19 रन बनाए। इसके अलावा निकोलस पूरन ने 19 रन बनाए। वहीं केकेआर के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए, तो वहीं पैट कमिंस, सुनील नरेन ने 2-2 विकेट लिए हैं। पंजाब किंग्स की टीम केकेआर के सामने बड़ा लक्ष्य रखने में सफल नहीं हो पाई। ऐसे में पंजाब की टीम पर अब हार का संकट मंडरा रहा है। वहीं मुकाबले में पंजाब का टॉप ऑर्डर और मध्यक्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा। कप्तान केएल राहुल बड़ी पारी नहीं खेल सके, तो वहीं क्रिस गेल तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। वहीं पंजाब के गेंदबाजों के सामने बड़ी चुनौती रहने वाली है कि वह अपनी टीम का स्कोर का बचाव किस तरह से करते हैं। वैसे भी केकेआर के बल्लेबाज इतने तो क्षमतावान है कि वह पंजाब के द्वारा दिए गए इस छोटे से लक्ष्य को हासिल कर सके। वहीं दोनों टीमों की निगाहें जीत पर है, लेकिन केकेआर का पलड़ा भारी है और अगर उसकी ओर से अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली तो वह मुकाबला जीत सकती है।